अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम स्ट्रेट अवे चलते हैं वॉर थ्री, डे थ्री वॉर थ्री की तरफ। हमारा स्क्वाड जो है, हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस में जो क्लैन है, पार्क स्क्वाड वर्सेस ऑक्यूडिन गो, बड़ा अजीब सा नाम है। एनीवेज, इस वॉर में मेरी आठवीं बेस है और मैं अपने मुकाबिल जो आठवीं बेस है उस पर हमला करने जा रहा हूँ। ये नस्बतन काफ़ी वीक बेस लग रही है और उम्मीद है कि मैं उस पर 3 स्टार्स ले सकूँगा। आप देख सकते हैं ईगल आर्टिलरी, टाउन हॉल, इन्फर्नो टावर्स वगैरह सब काफ़ी वीक हैं लेवल 2 लेवल 3 के। दीगर जो विजल टावर लेवल 3 का है, आरजे टावर लेवल 11 का है, और मेरे पास जिस तरह की आर्मी है अपग्रेडेड, तो उसके सामने मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर डिफेंसिव बेस है। उम्मीद है कि मैं इस पे 3 स्टार्स ले सकूँगा। आइए गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, गेम की तरफ जाने से पहले मैं आपको, इस दफ़ा थोड़ी सी आर्मी मेरी मैंने चेंज की है और बॉलर्स डाले हैं मैंने 8। दो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हैं, एक पिका है, 12 बैलून्स हैं मैक्स लेवल के, और 2 नॉर्मल ड्रैगन्स हैं। मेरे पास हीरोज भी 4 हैं विद देयर पेट्स, और डोनेशन में 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन और 1 बैलून विद रेस पर। अब मैं हमला करने जा रहा हूँ। आइए हम अटैक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर पे छोड़ूंगा। इन्फर्नो ड्रैगन नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में छोड़ूंगा, और बैलून्स में स्ट्रेट अवे छोड़ूंगा विद नॉर्मल ड्रैगन्स, पेका, इस दफ़ा आपने नोट किया होगा कि मैंने अपना एक हीरो रॉयल चैम्पियन, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट वे जगह पे मैंने छोड़ा, साउथ में। और नाज़रीन, मैं बहुत इजीली 3 स्टार्स ले लूँगा। अभी तकरीबन 1 मिनट और अराउंड 35 सेकेंड्स रहते थे और मैंने बहुत इजीली 3 स्टार्स ले लिए। 3 स्टार्स 100% के साथ। इसके साथ ही नाज़रीन, हम वापस चलते हैं और वेट कीजिएगा अगली वीडियो पर।